नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैट्रिक्स गुरु में। दोस्तों देखिए, आज हम चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है चरम सीमा से आज हायर लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे LCM और HCF के। तो दोस्तों देखिए वीडियो पूरी देखना और अच्छी लगे तो शेयर भी करना दोस्तों के साथ, और शायद ही ऐसा किसी ने पढ़ाया हो। वैसे टीचर तो बहुत पढ़ाते हैं लेकिन समझने की बात है, तो देखिए आज समझेंगे अच्छे से और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो हम बात करेंगे फिर से LCM एंड HCF की। तो देखिए दोस्तों, LCM और HCF की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे हम, मैंने आपको उस दिन क्या बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ए मान लिया पहली संख्या, बी हो गया दूसरी संख्या, तो क्या होता है LCM गुणा किसके बराबर होता है, LCM गुणा HCF के बराबर होता है। तो मैं आपसे कहूं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुणा HCF के, तो हमेशा ध्यान रखना HCF क्या होता है हमारा, HCF कोई कॉमन संख्या होती है, तो हमने मान ली x, HCF कोई कॉमन संख्या होती है वो हमने x मान लिया। लेकिन हम LCM की बात करेंगे तो क्या होता है, कॉमन संख्या जो आए वो होती है और जो संख्या बचे वो होती है। तो जैसे हम कर सकते हैं, हम मान सकते हैं ए एक्स मान ली पहली संख्या और दूसरी मान ली हमने बी एक्स। अब हम आपसे कहें कि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती निकालिए या महत्तम समापवर्ती निकालिए। अच्छा मैं आपसे कहूं इन संख्याओं का HCF कितना होगा, HCF तो होगा x क्योंकि x ही कॉमन आ रहा है। अच्छा मैं आगे कहूं आपसे LCM कितना होगा, तो दोस्तों LCM क्या होगा, ए बी एक्स, LCM होगा इसका ए बी एक्स। ये तो रहा है इसका जो बेसिक पार्ट का। अब इसके कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, इसी टाइप से उनको क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक समापवर्तक 12 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये संख्या ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो मैंने जो आपको बेसिक बताया है उसी पे ध्यान दीजिए। देखिए अब महत्तम समापवर्तक कह रहा है, तो क्या होता है महत्तम समापवर्तक x होता है, लेकिन वो संख्या क्या दे रखी है अनुपात में, 3:4 दे रखी है, ये ax हो गया और ये bx हो गया। लेकिन संख्या क्या है, a तो 3 है, अब b कितना है 4 है, x कितना है 12 है, तो संख्या ज्ञात करने की बोल रहा है तो कर दीजिए। a कितना है 3 × 12 और 4 × 12, तो बी कितना 4 और एक्स 4 × 12, तो 3 × 12 करेंगे 36 और 4 × 12 करेंगे तो 48। जिनको हम ढूंढ रहे थे वो दो खूंखार अपराधी ये रहे। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अनुपात एक्स अनुपात वाई है और उनका महत्तम कितना है, उनका जेड HCF है, मतलब मासापा है, तो LCM क्या होगा। तो देखिए दोस्तों करते कैसे हैं, आपको बता दूं मैं, इसको ए मान लीजिए एक संख्या, बी मान लीजिए दूसरी संख्या, तो अनुपात कितना है, मतलब ए तो एक्स है और बी कितना है वाई है, लेकिन उनका HCF जो दे रखा है, HCF कितना दे रखा है जेड। मैंने आपको पहले बताया था, देख दोस्तों ए एक्स है और बी वाई है, अच्छा ये संख्या है, लेकिन HCF क्या होता है दोनों में कॉमन होता है, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इनमें,
तो अब ये हमारी संख्या बन गई, ए एक्स तो पहली संख्या हो गई और बी सॉरी एक्स जेड पहली संख्या हो गई और वाई जेड दूसरी संख्या हो गई। अब पूछा क्या है एलसीएम, तो लाता कैसे निकालते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा बटा मासा। तो ये निकालने का तरीका है। तो देखो दोस्तों पहली संख्या क्या है हमारा एक्स जेड, दूसरी संख्या क्या है हमारी वाई जेड, और मासा कितना आया है हमारा दोस्तों, मासा आया है हमारा जेड। अब इसको काट लीजिए, जेड से जेड कटेगा। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स वाई जेड एलसीएम कितना हो गया दोस्तों एक्स वाई जेड। इसी तरह आगे देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 864 है, उनका मासा 12 है, तो संख्या बताइए। ये दोनों संख्याओं को पूछ रहा है जिनका गुणनफल 864 है और उनका मासा 12 है, तो संख्या बताइए। तो मैंने आपको वो तरीका बताया, वो वही अपनाइए। दो संख्याएं हैं, एक तो ए एक्स है और एक हमारी बी एक्स है, इनका जो मासा है सॉरी गुणनफल कितना दे रखा है 864। लेकिन एक और बात ध्यान रखिए, हम मासा महत्तम समापवर्तक मानते हैं, वो एक्स मान लेते हैं, एक्स कितना है हमारा 12। बताइए जब एक्स ये है तो दो बार एक्स आ रहा है, तो दो बार गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू कितना एक्स स्क्वायर। अच्छा ये कितना हो जाएगा 144। अब इसको इस काटेंगे, 6 टाइम कटेगा। अच्छा ए गुणा बी 6, अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 लिख लेंगे, बात एक ही है। लेकिन ये तो अभी क्या है अनुपात में संख्या आई है, 2:3 हो गया एक तरह से, तो ए आया है अभी और ये बी आया है। लेकिन हम करते क्या है, ये ए एक्स है और बी एक्स है। अच्छा ए एक्स और बी एक्स, तो देखिए एक्स कितना दे रखा है हमारा, एक्स है 12, लेकिन ए एक्स 12 है एक्स 12 है, एक कितना हमारा 2, तो 2 गुणा 12 करेंगे तो ये 224 आ गया। और इसी तरह बी 3 है, 3 गुणा 12 करेंगे तो ये कितना हो गया 36। तो ये पूछ रहा था कि वो दो संख्या बताइए, वो दो संख्या दोस्तों कौन सी आ गई, 12 और 36। तो दोस्तों थैंक यू, इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। मैं लोअर से हाई तक छोटे से बड़े तक ले जाऊँगा दोस्तों, और ऐसे ही इसी तरह पढ़ाता रहूँगा। आपसे विनम्र मेरी विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।